हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं सुपर क्रीमी दाल मखनी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, जिसके लिए हमें चाहिए 2 से 3 बड़े चम्मच की, 2 बड़े चम्मच ऑयल के, एंड देन हम उसमें ऐड करेंगे बे लीफ, 2-3 छोटे टुकड़े दालचीनी के एंड जीरा। जब हमारा जीरा क्रैकल हो जाएंगे तब हम उसमें ऐड करेंगे अनियंस। अनियंस को थोड़ा सॉटे करके देन वी विल ऐड जिंजर गार्लिक एंड चिली की को क्रश करके। जब हमारे अनियंस ब्राउन हो जाएंगे तब हम उसमें ऐड करेंगे 2 टमाटो की प्यूरी और उसको कुक होने देंगे। कवर करके आप कुक कर सकते हैं सो दैट इट इज़ फास्ट। जब हमारे टमाटोज कुक हो जाएंगे तब हम उसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, रेड चिली पाउडर 1 स्पून राउंड। दाल मखनी जो होती है वो बहुत स्पाइसी नहीं होती है, सो डोंट मेक इट टू स्पाइसी। इस दाल मखनी में हम हल्दी ऐड नहीं करते हैं टू चेंज इट्स कलर। और फिर हम ऐड करेंगे गरम मसाला एंड लेट इट कुक। बारी आती है हमारे बॉइल्ड दाल को ऐड करने के लिए। मैंने दाल रात को सोक करके रखी थी, मैंने थोड़े राजमा भी सोक किए थे टू गिव इट मोर प्रोटीन टू माय दाल। अब हम ऐड करेंगे वाटर एज़ पर योर कंसिस्टेंसी। वाटर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, दाल मखनी ज़्यादा लिक्विडी नहीं होती है, थोड़ी सी थिक ही रहती है, तो आप वाटर उस हिसाब से ऐड करिएगा। अब हम उसको कवर करके कुक करेंगे। अब हमारी दाल एकदम रेडी है, बट अब थोड़े से फाइनल टचेस जिसमें हम ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी क्रश करके। कस्तूरी मेथी से हमारी दाल में बहुत अच्छा अरोमा ऐड हो जाता है एंड इट लुक्स सो डिलीशियस, सो टेम्पटिंग। अब हम ऐड करेंगे गरम मसाला, धनिया पाउडर और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारी क्रीम की बारी आती है। क्रीम अभी इतनी दाल क्रीमी ऑलरेडी है तो थोड़ा सा और क्रीमी करते हैं उसको। अब हम आप क्रीम अगर आप बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप क्रीम अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज उड़द दाल ऑलरेडी क्रीमी टेक्सचर होता है तो आपको ज़रूरत नहीं है। नाउ अब हमारी दाल है रेडी और रेडी टू सर्व। प्लीज़ इंजॉय। और हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक